हेलो एवरीवन, आपने पूछा और मैंने बताया कि मैं क्या खाती हूँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या नहीं खाती हूँ। चीनी छोड़े मुझे 6-7 साल हो चुके हैं। मीठे के नाम पर मैं फ्रूट्स, डेट्स, हनी ये सब लेना पसंद करती हूँ। पिछले साल तक जैगरी लेती थी, लेकिन मेनोपॉज के बाद मैंने वो भी लेना बंद कर दिया है। अब मेरी बॉडी मुझे बहुत लाइट महसूस होती है। शुगर्स के अलावा मैदा और फ्राइड और एक्स्ट्रा सॉल्ट ये भी मैं नहीं लेती हूँ। मैदा इज नॉट गुड कार्ब्स, उसकी जगह में आप होल व्हीट, होल ग्रेन्स अगर आप कार्ब्स लेंगे तो आपकी इंटेस्टाइन आपको थैंक यू बोलेगी। वो ज़्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करेगी मटेरियल को और आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने का डर नहीं रहेगा। फ्राइड फैट्स मेरी बॉडी को चाहिए नहीं ज़्यादा। जितना भी मैं लेती हूँ घी मक्खन, वो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने घर का बना गाय के दूध का ही लूँ। और जो प्रोसेस्ड फूड, सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रोसेस्ड फूड मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उनमें चाहे जितने मर्जी एनरिचमेंट आपकी लिखी हो, लेकिन उनकी कैलोरीज कंटेंट ज़्यादा रहता है और न्यूट्रिएंट्स इतने ज्यादा नहीं रहते। बिकॉज ऑफ प्रोसेसिंग मेथड से उनके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू काफी कम हो जाती है। सो आप जितना नेचुरल, जितना रॉ और होममेड खा सकें, दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। थैंक यू।